जैसा कि आप सभी जानते हो, इस बार आपका एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होने जा रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में देखिए कि अगर आप MCQ पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, क्योंकि MCQ पेपर में हमारे पास सब्जेक्टिव की तरह अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं होता। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता था कि अगर हम कुछ गलत भी लिखते थे तो हमें उसे काट कर सही कर सकते थे, लेकिन MCQ पेपर में हमारे पास ये मौका बिल्कुल नहीं होता है। एक बार आपने ऑप्शन टिक कर दिया तो कर दिया, फिर उसके बाद आपके पास उसे करेक्ट करने का चांस नहीं होता है। एक बार ऑप्शन टिक कर दिया तो कर दिया, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसे बड़े एक्यूरेसी के साथ, बड़े ध्यान से और सही अप्रोच लगा करके सॉल्व करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 गलती है जो आपको MCQ पेपर सॉल्व करते वक्त नहीं करनी है। स्वागत है मित्रों आपका अपने यूट्यूब चैनल शुद्ध नॉलेज में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ये जो सबसे बड़ी गलती है वो है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है तब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहली गलती है क्वेश्चन को सही ढंग से ना पढ़ना। डोंट रीड क्वेश्चंस कम्प्लीटली। आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, और क्यों नहीं पढ़ते, तो इसका मेन रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हो, या हो सकता है कि आप थोड़े नर्वस भी हो एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कई बच्चे नर्वसनेस के कारण भी क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जल्दबाजी में करते क्या है कि डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग समझ लेते हैं और वो गलत ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स यह भी गलती करते हैं कि बुक में जो क्वेश्चन देख के जाते हैं और एग्जाम में भी वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट यूनिट्स में थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट्स गलत ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को बिना सही ढंग से पढ़े ऑप्शन टिक ना करें। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, पढ़ ले, फिर ऑप्शन टिक करें। दूसरी जो गलती आप करते हो, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आंसर को रीचेक नहीं करते हो। आप ये ध्यान में रखो कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप माइनर मिस्टेक पर ध्यान दें, जैसे यूनिट्स पर ध्यान दें। जैसे अगर आप केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एवोगाड्रो नंबर पर खासा ध्यान दें। और स्टूडेंट्स तब और ज़्यादा गलती करते हैं जब ऑप्शंस आपके पास सिमिलर हो। बोर्ड आपको जानबूझ करके सिमिलर ऑप्शन डालेगा, आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको किसी भी हाल में कन्फ्यूज नहीं है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें उसे बड़ी एक्यूरेसी के साथ, बड़े ध्यान से सोच समझ कर सॉल्व करें, और अपने आंसर को रीचेक जरूर करें, उसके बाद ही ऑप्शंस को टिक करें। ये जो तीसरी गलती है वो है एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक को सॉल्व ना करना। अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं करते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही आपको वो रिदम देगा, वो क्विकनेस देगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे आप उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे MCQ पेपर को सॉल्व करने में। और क्वेश्चन बैंक की खास बात यह होती है कि क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी, और क्वेश्चन बैंक जो भी आप सॉल्व करो वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखना है, आपको हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करना है। अगली बात है वो है NCERT को ना पढ़ना। देखिए बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं वो एग्जाम में कि वो अलग अलग एडिशन के बुक पढ़ते हैं लेकिन NCERT को पढ़ते ही नहीं है। जहां से उनका सारा क्वेश्चन बनकर तैयार होता है वही अगर वो वही नहीं पढ़ेंगे तो उनका पेपर अच्छा कहाँ से जाएगा। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप NCERT को जरूर रीड करें। और NCERT पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप शॉर्ट टाइम में ही आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हो, और NCERT तो आपकी बेसिक है। जब तक आप बेसिक ही नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी तैयारी अच्छे से कैसे होगी। इसलिए NCERT तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए किसी भी हाल में, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि बोर्ड आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। भले ही पिछले साल के क्वेश्चन सब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड हो, फिर भी आप जरूर देखना पिछले साल के क्वेश्चन को, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये जो अगली गलती है वो है, जब भी आप अपनी OMR शीट को फिल करें तो आप सही से फिल करें। ये नहीं कि आप आधा ही फिल करें या गोले से बाहर तक फिल कर दो, आपको ये नहीं करना है, आपको एकदम सही से एकदम बराबर फिल करना है। और एक बात आप ध्यान में रखना कि आपने जो भी ऑप्शन एक बार पिक कर दिया तो कर दिया, आप उसे चेंज मत करना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स पहले गलत ऑप्शन को कलर कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार दूसरा ऑप्शन सही है, तो फिर वो दूसरे ऑप्शन को भी कलर कर देते हैं। तो ये मत करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो ऑप्शन आपने पिक कर दिया है कर दिया है, चाहे वो गलत हो या सही हो।
उसे चेंज मत करना। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां थी जो स्टूडेंट्स अक्सर एमसीक्यू पेपर सॉल्व करते वक्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही हुई बात को आप अच्छे से समझेंगे और आप उसे अच्छे से फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।